हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ विटामिन सी की टेबलेट्स, जिसको सीमो सी जिंक कहा जाता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ इसका रिव्यू करूँगी, इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज दूंगी कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है, इसके यूज़ क्या क्या है, बेनिफिट, साइड इफेक्ट्स क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इसका इंटेक कैसे करना है, सब कुछ आज की वीडियो में बताऊंगी। सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को एंड तक आप लोगों ने देखना है। सो सबसे पहले अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये 550 इसके प्राइस से ये आप लोगों को इजीली मिल जाएगी। तो इसमें आप लोगों को टोटल 30 टेबलेट्स मिलती हैं। सो इस सप्लीमेंट में विटामिन सी के साथ ही साथ इसमें जिंक भी है। सो इसमें 1000 ग्राम विटामिन सी है एंड 10 ग्राम इसमें जिंक है। सो गाइस, ये सप्लीमेंट्स हमारी हेल्थ के साथ ही साथ हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। सो ये हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। इसके अलावा इसके हेयर, स्किन एंड नेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। सो गाइस, विटामिन सी के इंटेक से हमारी स्किन ब्राइटर होती है। अगर आप लोग विटामिन सी लेते हो तो आप लोगों की स्किन वाइट एंड ब्राइटर होती है। विटामिन सी के इंटेक से हमारी स्किन में कोलेजन एंड मेलानिन की प्रोडक्शन कम होती है। मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो कि हमारी स्किन को डार्क करता है, ब्राउन करता है। तो आप लोगों के डार्क स्पॉट्स भी फेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट अगर आप लोगों की स्किन पर है तो वो भी फेड होना स्टार्ट हो जाती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसकी वजह से छोटी छोटी बीमारियां जैसे बुखार, नजला वगैरह आप लोगों को नहीं लगता है। आप लोगों के एंटी एजिंग, रिंकल्स वगैरह के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। आप लोगों के फेस पर रिंकल्स नहीं आते हैं अगर आप लोग इसका यूज करते हो तो। एंड आप लोगों की स्किन पर बहुत ही अच्छा ग्लो भी आता है। एंड आप लोगों की नेल ग्रोथ, हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आप लोगों के बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है विटामिन सी। अच्छा, तो ये सब थे इसके बेनिफिट्स। इसके अलावा भी बहुत ही ज्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। विटामिन सी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो अब मैं आप लोगों को इसके डिसएडवांटेजेस बताती हूँ। सो इससे कोई भी खतरा नहीं है, बट अगर आप लोग इसकी इंटेक ज्यादा कर लेते हो तो आप लोगों को डिसएडवांटेजेस मिल सकते हैं। लाइक दिन में आप लोग दो दो दफा खा रहे हैं तो आप लोगों को इसके डिसएडवांटेजेस मिल सकते हैं। आप लोगों को हार्ट बर्न हो सकता है, नोजिया फीलिंग हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है आप लोगों को अगर आप लोग इसका इंटेक ज्यादा करते हो तो, या फिर स्टमक में क्रैम्प भी हो सकते हैं अगर आप लोग इसका ज्यादा इंटेक करोगे। वैसे इसका कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, अगर आप लोग ज्यादा इंटेक करोगे तो आप लोगों को हो सकता है कि डिसएडवांटेजेस मिले। सो आप आते हैं एज लिमिट पर। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट थिंग बता दूं कि विटामिन सी की डिफिशियंसी सबको हो सकती है, बच्चों को भी हो सकती है। डॉक्टर्स वगैरह बच्चों को भी रिकमेंड करते हैं, गमीज या फिर टॉफीज की सूरत में होती है। नॉर्मल जो 4 से 8 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको डेली 650 मिलीग्राम विटामिन सी लेना जरूरी होता है। एंड 9 से 13 साल वालों के लिए 1200 मिलीग्राम डेली बेसिस पर लेना जरूरी है। 14 से 18 एज लिमिट वालों के लिए उनको कम से कम 1800 मिलीग्राम डेली इनटेक करना चाहिए विटामिन सी। 18 के बाद वाली एज लिमिट के लिए उनके लिए 2000 मिलीग्राम ज़रूरी है। बट अगर आप लोगों को कोई भी डिजीज़ है, किसी भी किस्म की बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, खास करके जैसे कि ब्लड प्रेशर या फिर प्रेगनेंसी या फिर किडनी की प्रॉब्लम है, तो आप लोग एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर लें। सो इस टेबलेट की जो पावर है वो है 1000 mg। सो अगर आप लोग टीनेजर हो, 18 वाले हो, तो आप लोग का इसको ईजीली इसका इंटेक कर सकते हो। सो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसका इंटेक कैसे करना है। गाइस, सबसे बेस्ट टाइम मल्टीविटामिन्स लेने का मॉर्निंग टाइम होता है। खाने से पहले, लाइक मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले आप लोगों ने 40 से 45 मिनट पहले लेनी है इस सप्लीमेंट को। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, दिन में एक दफ़ा आप लोगों ने लेनी है, अपने ब्रेकफास्ट से पहले आप लोगों ने लेनी है। ये तरीका बेस्ट है। सो या डेट वॉज इट, ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। एनी क्वेश्चन सो प्लीज़ कमेंट मी, आई लव टू रिप्लाई यू। एंड काइंडली प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।